Hello everyone, this is the last division of plant kingdom, that is angiosperm. Angiosperm को flowering plants भी बोलते हैं. इनके अंदर seeds covered होते हैं inside fruits. और ये जो angiosperm है वो largest group of plants है और वो everywhere, like they are present everywhere. और इनकी जो plant variety है microscopic plant से bigger, tallest plant भी होते हैं. like microscopic का मैं example हूँ Wolfia. इट इज वेरी टाइनी प्लांट और टॉलेस्ट प्लांट हूँ यूकेलिप्टस. तो इस एंजियोस्पर्म के ग्रुप में बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं. एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और स्पोरोफिल्स बनाते हैं फ्लावर. तो हम एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करते हैं. हम देखते हैं फ्लावर का डायग्राम. This is first, I am drawing a female part. फिर इधर से this is male part. So this is anther. This is filament and they combinedly form the male part of flower, that is stamen. This is the male part. Phir this is stigma. Ye hai style and this is ovary. Aur ye teeno milke banate hain female part, that is pistil or carpel. Carpel bhi bola jata hai. This is the female part. और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओव्यूल्स कैन बी वन और मोर देन वन. फिर दिस इज पेटल, जो कलरफुल होते हैं पेटल. एंड दिस इज सेपल, जो कि मोस्टली क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं. This is thalamus and this is pedicel. Pedicel means stalk of flower, मतलब जो stalk होता है जिसपे जिसके through हम उसको hold करते हैं, that is stalk of flower, thalamus. और thalamus में सबसे पहले जो covering आती है वो होती है sepal की, फिर petal की, फिर male part stamen and then the female part pistil और carpel. तो male part होता है two में divide होता है, anther and filament. फिलामेंट से एंथर कनेक्टेड होता है और एंथर के अंदर क्या फॉर्म होता है? मेल गैमेटोफाइट बाय मियोसिस. और मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन. मैंने जिम्नोस्पर्म में भी बोला था दिस इज नॉट मेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन से मेल गैमेट्स बनते हैं. और ये है फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. और ओव्यूल प्रेजेंट होता है इनसाइड ओवेरी, इसीलिए जब वो फ्रूट बनता है तो फ्रूट की बॉल ये सब कौन बनाता है? ओवेरी बनाता है. और ओव्यूल्स बनाते हैं सीड. पोलन ग्रेन हमेशा कहां लैंड करता है? ऑन द स्टिग्मा पोर्शन. और पोलन ग्रेन क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं. तो दे नीड सम सम थिंग्स लाइक सम बेसिकली एजेंट्स टू ट्रेवल. तो आइदर इट कैन बी विंड, वॉटर, और कोई एनिमल भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है. That process, वो process क्या बोली जाती है? Pollination. पहले pollen grain कहाँ land करते हैं? Pollen grain land करते हैं stigma पे. फिर वो germinate होते हैं and they form the pollen tube. वो pollen tube किसके through जाती है? From stigma to the ovary. और किसके via? Style के via. Style is the portion in between the stigma and the ovary. और जो ovule होता है उसके अंदर meiosis के साथ through क्या होता है? Female gametophyte बनता है, that is embryo sac. फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक. आई एम ड्रॉइंग हियर दिस एम्ब्रियो सैक. दिस इज एम्ब्रियो सैक, दिस इज अ फीमेल गैमेटोफाइट. और जो ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो सेवन सेल एट न्यूक्लियेटेड कंडीशन होती है. कैसे?
हमने इसको, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये जो वाला है ये है एग. दीज टू आर सिनर्जिड्स, दीज थ्री आर दी एंटीपोडल्स, और ये जो मिडिल में टू सेल्स हैं, दीज आर पोलर न्यूक्लियर, दीज आर पोलर न्यूक्लियर. ये पोलर न्यूक्लियर क्या करके फ्यूज करके एक ही सेल बनाती है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि टू एन कंडीशन में होता है. तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये दोनों मिलके एक ही सेल बनाती है, इसीलिए एम्ब्रियो सैक को बोला जाता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेटेड कंडीशन, क्योंकि न्यूक्लियस तो यहाँ पे 2n कंडीशन है, पर सेल क्या बना देती है, वो एक बना देती है. तो फिर क्या हुआ, पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट किया और पोलन ट्यूब फॉर्म करके वो मेल गैमेट्स किसके थ्रू आए, पोलन ट्यूब के थ्रू, ओव्यूल, ओव्यूल से फिर वो एम्ब्रियो सैक में गए. और मेल गैमेट्स क्या, टू मेल गैमेट्स होते हैं, तो एक मेल गैमेट तो क्या होता है, फ्यूज होता है एग से. वन मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विद एग एंड गोइंग टू फॉर्म द जायगोट. पोलन ट्यूब के थ्रू टू मेल गैमेट्स आए, तो एक जो मेल गैमेट था, वन मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विद एग. I'm just add, like making the sign add. और उन्होंने क्या बनाया, zygote. और जो second male gamete है, वो fuse होता है secondary nucleus से. Secondary nucleus किससे बनता है, polar nucleus से. ये male gamete n condition and egg भी n condition है, तो वो क्या बनाए, 2n वाला zygote, diploid zygote. Second male gamete भी क्या है, n है, haploid है. और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, 2n, क्योंकि ये दो न्यूक्लियस से मिलके बना है. तो ये लोग क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको शॉर्ट में पेन भी बोला जाता है. और ये क्या है, 3n कंडीशन, ट्रिप्लॉइड, क्योंकि इसके 2n और इसका n मिलके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया. तो दो बार फ्यूजन हुआ, एक बार तो क्या हुआ जायगोट फॉर्मेशन के लिए, एक बार एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के लिए. सो इट्स हैविंग द टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. दिस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, एक तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट क्या है, एग, तो इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं. और ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है ना, दो न्यूक्लियस इसके और एक न्यूक्लियस इसका, सो दैट इज ट्रिपल फ्यूजन. तो हम सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाए, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल्स टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन. और एक बात और नोट करनी है कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है, ये जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और वो ट्रिप्लॉइड होता है, बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, वो हैप्लॉइड होता है. और दिस इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली अकरिंग इन द एंजियोस्पर्म. और कैसे हो रहा है, एक तो सिनगैमी हो रहा है और एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है. फिर हम एंजियोस्पर्म की क्लासेस की बात करें, तो एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, डाइकोटिलीडंस एंड मोनोकोटिलीडंस. डाइकोटिलीडंस में क्या होता है, टू कॉटिलीडंस, मतलब कि जो फर्स्ट लीफ फॉर्म होती है वो टू, एम्ब्रियोनिक जो लीफ होती है, दिस इज एंजियो डिवाइडेड इनटू टू, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकॉटिलीडंस. इसमें टू कॉटिलीडंस बनते हैं, टू सीड लीव्स बनती है, यहां पे वन बनती है. दिस इज द डिफरेंस, लाइक इसका एग्जाम्पल बीट है, इसका एग्जाम्पल मैंगो. फिर हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो हमारे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, मेडिसिनल यूज में हम नीम को देख लेते हैं, ऑयल देख लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मेडिसिन हो गया, तो बहुत ब्रॉडली यूज है किसका, एंजियोस्पर्म का. और हम एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इन द नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स ऑफ द 11th ग्रेड.
ओके तो हमने इसमें पूरे में प्लांट किंगडम डिटेल में स्टडी किया, हमने सारे डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हमने एनसीईआरटी के लेवल के डिटेल में स्टडी किए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं नीट में इसके थ्रू, और बोर्ड्स में, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। इन द नेक्स्ट वीडियोस हम लोग और चैप्टर्स कवर करेंगे। थैंक यू।